ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, कोई भी इंटरव्यूअर आपको प्रोजेक्ट वाली चीज़ में रिजेक्ट नहीं करेगा कि आपने प्रोजेक्ट ढंग का नहीं किया, ऐसे कमेंट्स आपको नहीं आएंगे। तो जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो एक चैलेंज रहता है, मैं क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है गाइस, और अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट अपने CV में डालोगे तो आपको बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और लॉजिक कहीं ना कहीं आपका और बेटर होगा। तो हमारे पास गाइस एक rapidapi.com है जहाँ पे दुनिया जहाँ की सारी APIs है। जो वैल्यू ऐड करेगी वो है e-commerce, क्योंकि जब आप क्लोन बनाओगे तो आपको एक एंड टू एंड एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है उसका आइडिया लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, web 3.0 का यूज़ करके। तो इसका मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, अगर आपको कुछ नया करना है, आउट ऑफ बॉक्स करना है, और समटाइम मे बी इंटरव्यूअर की एक्सपर्टीज ना हो इसके अंदर, और अगर आप कुछ ऐसा लेके जाओगे चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो कवर किया था कि हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। जब हम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, फिर चाहे हाई लेवल डिज़ाइन हो, लो लेवल डिज़ाइन हो, सिचुएशनल क्वेश्चन हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्वेश्चन हो, डेटाबेस ड्रिवन क्वेश्चन हो। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो कवर किया था, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में आपने कमेंट किया कि भैया प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ठीक है, बट प्रोजेक्ट बनाएं क्या एज अ फ्रेशर, या मेरे को 3 साल हो गए हैं, मैं कहीं और काम कर रहा था किसी और टेक्नोलॉजी में, अब मैं इसमें आ गया हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट में आ गया हूँ, राइट? क्या एक पैटर्न रहेगा, क्या एक पाथ रहेगा? तो मैंने सब कुछ ओपन कर लिया है, मैं सारे रिसोर्सेज आपको फ्रीली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जब प्रोजेक्ट की बात होती है तो अपने आपको अपस्किल तो करना पड़ेगा, राइट? अब अपस्किल के लिए भी मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, सब बताता हूँ, बस शांति रखो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। लाइक के मैंने रखा है 8000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग में वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना #TSFamily, टॉपिक का नाम, मैं उसे कवर कर दूंगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप आके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? सो top 5 प्रोजेक्ट्स, मैंने एक और एड ऑन भी किया है, 6 मान लो आप, और इनका सारा सोर्स कोड, रेफरेंसेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट मेरा थॉट प्रोसेस समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कौन सा आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, कोई भी इंटरव्यूअर आपको प्रोजेक्ट वाली चीज़ में रिजेक्ट नहीं करेगा कि आपने प्रोजेक्ट ढंग का नहीं किया, ऐसे कमेंट्स आपको नहीं आएंगे। इवन मैंने लेगेसी को भी मैं लेके आ रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं? अब अगर उसको नए तरीके से लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब देखो स्किल की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मुझे कुछ बेटर मिलता है, फ्री मिलता है, तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। अब देखो अभी ले ऑफ की बात हो रही है, मास ले ऑफ, राइट, रिसेशन, बट आप अपने आप को अपस्किल रखो, फिर चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, डेवऑप्स में हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो, बिग डेटा में हो, क्वालिटी मैनेजमेंट में हो, टेस्टिंग में हो, अजाइल में हो, राइट, बिजनेस एंड लीडरशिप में हो, 15 कैटेगरीज है गाइस। स्किल अप बाय सिंपली लर्न, यहाँ पे दिस इज़ नॉट पेड, ठीक है? सो इनकी 15 कैटेगरीज हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, एंड्रॉयड पे है, पाइथन पे है, डेवऑप्स के अंदर आपको गिट ट्रेनिंग है, इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम है, राइट, कुबरनेटिस है, AWS है, एज्योर है, ये सारे कोर्सेज फ्री हैं एकदम, कोई आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेगा, और सारे जॉब रेडी इनके प्रोग्राम हैं, और आपको बस जाना, इनका मोबाइल ऐप भी है, मैंने लिंक दे रखा है, वेबसाइट का भी आप जाके एनरोल कर सकते हो। और ये कोर्सेज आपको जो अच्छा लगे अपनी नीड के हिसाब से, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको एंड्रॉयड में जाना है, रिएक्ट नेटिव में जाना है, किसी में भी जाना है, इवन मैनेजर लेवल वाले कोर्सेज भी हैं, फ्री हैं बिल्कुल, करो, सर्टिफिकेट लो, अपने रिज्यूमे में डालो। इससे क्या होगा, आप अपने आप को अपस्किल कर पाओगे। अभी प्रोजेक्ट पे आएंगे हम, समझेंगे, और ये अपस्किल जो आप करोगे, जो नॉलेज गेन करोगे, आपको प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? तो मैंने लिंक दे रखा है, और ऐसा नहीं है किसने भी ये कोर्सेज बना दिए हैं, प्रॉपर प्रैक्टिशनर हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये कोर्स को डिज़ाइन किया है। और जैसे जैसे आप ये कोर्स करते रहोगे आपको क्विज मिलते रहेंगे, ताकि पता चलता रहे कि आपने जो पढ़ा है वो ठीक है नहीं है, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली इवेल्युएट होती रहेगी, ठीक है? तो इसका लिंक मैंने दे रखा है, अपने आपको अगर अपस्किल करना चाहते हो तो ये जरूर चेकआउट करना, और बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखो जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हो तो एक चैलेंज रहता है, मैं क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। कोई कुछ बना रहा है, कोई मशीन लर्निंग में बना रहा है, कोई AI में कुछ बना रहा है, राइट, कोई
ब्लॉकचेन का यूज करके कुछ बना रहा है। देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, आप इस दुनिया के अंदर ना बहुत सारी कंपनीज हैं, फिर चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, स्टार्टअप हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, राइट। अगर आपने प्रोजेक्ट को जब भी माइंड में थॉट आए कि मैं इनिशियल टाइम पे क्या बनाऊं, सबसे पहले आपको कुछ नहीं सोचना, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत छोटा, और उसमें मैं कुछ लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ। ये नहीं सोचना है कि वो डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा और फ्रंट एंड कैसा दिख रहा है, आप ऐसा कुछ मत सोचो। जो मेरी फर्स्ट कैटेगरी है, जो मैंने इसको एक नाम दे रहे हैं, बहुत फंडामेंटल बेसिक, जिसमें मैंने तीन प्रोजेक्ट फर्स्ट कैटेगरी में डाले हैं। तो एक है, आपने आपको याद होगा हम अपने मोबाइल में बचपन में गेम खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, जब वो स्नेक वाली, जब स्नेक वॉल से टकरा जाएगा तो गेम ओवर हो जाती थी, वरना वो स्नेक जैसे जैसे उसको पॉइंट्स मिलते थे वो स्नेक बड़ा हो जाता था, राइट। आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, हाउ टू बिल्ड स्नेक गेम विद रिएक्ट, रिडक्स और रिडक्स सागा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है गाइज। और अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट अपने CV में डालोगे तो आपको बहुत, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और लॉजिक कहीं ना कहीं आपका और बेटर होगा, सोचने की विल पावर आपकी बढ़ेगी। तो मेरी जो फर्स्ट कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट है, पहला वो है स्नेक गेम, आप बना सकते हो, इसका लिंक मैंने दे रखा है, बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गाइज, आपको याद होगा हम बचपन में अभी भी कॉपीज में खेलते थे ना, जीरो कट्टस, टिक टैक टो, वो गाइज आप रिएक्ट में, और बेसिकली ये कोई HTML CSS खाली हम वनीला जावास्क्रिप्ट में नहीं बना रहे, रिएक्ट यहाँ पे है। अपस्किल करने के लिए हम सिंपली लर्न, जो मैंने आपको बताया फ्री है, वहाँ से अपस्किल कर लो, और इवन मैंने कुछ अपने रिसोर्सेज दिए जो मैंने खुद भी कंटेंट बनाया है, यू कैन ऑल्सो रेफर, ठीक है। बट अगर आपकी प्रोफाइल DevOps है या कोई और है तो आप वो फॉलो कर सकते हो। तो आप ये वाला गेम गाइस काफ़ी अच्छा है, रिएक्ट पे बिल्ड है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, और ये स्नेक हो गया, टिक टैक टो हो गया, राइट। और एक आपका नेक्स्ट है सूडो पजल, नहीं होते पजल्स आपने न्यूज़पेपर के देखा होगा, न्यूज़पेपर के पीछे होते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अगला गेम गाइज ये भी रिएक्ट के ऊपर है। ये थ्री गेम्स मैं बेसिक फंडामेंटल में डालता हूँ, मुझे नहीं पता मैं फ्रंट एंड में जा रहा हूँ, बैक एंड में जा रहा हूँ, फुल स्टैक में जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये तीन गेम अगर आप बना लोगे तो आप लॉजिक वाइज बहुत बेहतर हो जाओगे, और इसको आप CV में डाल सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट कैटेगरी में ये तीन गेम हैं, इनके मैंने रेफरेंसेस लिंक दे रखे हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। अब जो दूसरी कैटेगरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपको API से वेब सर्विस को कॉल करना और उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर दिखाना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा वो है रिएक्ट मूवी एप्लीकेशन, जहाँ पे मैं मूवीज़ की रेटिंग देख पाऊँगा, मूवीज़ का डेटा देख पाऊँगा, कौन कौन सी मूवीज़ हैं उस पर फेवरेट मार्क कर पाऊँगा। इस तरीके की एक ऐप है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, और एक हमारे पास API आती है वेब सर्विस, वो है OMBD। OMBD आपकी API आपको मूवीज़ डेटा देती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज। इसका यहाँ पे वीडियो रेफरेंस भी है, आप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा API को कॉल करना, रिट्रीव करना, एक्जियोस लाइब्रेरी यूज़ करना, यूज स्टेट यूज़ करना, हुक का यूज़ करना, यूज़ इफेक्ट यूज़ करना, रिएक्ट के हुक्स यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे। वेब डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से अगर आपको API से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट करना है तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा, इसका लिंक भी मैंने दे रखा है। एंड इतना ही नहीं, जो OMBD API है हमारी, ठीक है, इसका ही मैंने डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रखी है, और आप अपनी नीड के हिसाब से इस वीडियो, जो ये प्रोजेक्ट का पूरा रेफरेंस है, अगर आपको चेंज करना हो वो भी आप कर सकते हो, कि अगर आपको रिव्यूज़ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल फेक रिव्यूज़ चाहिए, क्योंकि आप डेटा कहाँ से लाओगे, या तो फिर आप बैकएंड भी खुद तैयार करो, अगर आपको बैकएंड तैयार नहीं करना है, आपको API मिल रही है, तो उस API को आप कंज्यूम कर लो और अपने फ्रंट एंड पे दिखा दो, राइट। तो सेकेंड कैटेगरी में हमने डाला है, पहले हम बेसिक फर्स्ट कैटेगरी में खेलेंगे लॉजिक बिल्डिंग के साथ, सेकंड हम खेलेंगे APIs के साथ, जो डेटा हम रिट्रीव करेंगे और अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी इतना ही नहीं, अगर आपका मन नहीं है मूवीज़ का, तो हमारे पास गाइज एक rapidapi.com है, जहाँ पे दुनिया जहाँ की सारी APIs है। आपको ट्रैवल की चाहिए, ट्रैवल की मिल जाएगी, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, फूड, म्यूज़िक, बिजनेस, जिसकी चाहे उसकी मिल जाएगी, आप वो API उठाओ। इसमें फ्री भी है और प्रीमियम भी है, तो फ्री वाली यूज़ कर लेना। अगर आपको बहुत ही नीड है, कमर्शियल आपका प्रोजेक्ट है, तो आप प्रीमियम की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो दुनिया जहाँ की सारी APIs है, इसका भी लिंक मैंने दे रखा है, rapidapi में जाके आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये मेरी सेकंड कैटेगरी है। अब जी थर्ड कैटेगरी पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे गाइज, आप एंड्रॉयड में बना रहे हो या वेब डेवलपमेंट में बना रहे हो, आप जिसमें ही बना रहे हो, मेक श्योर वो प्रोजेक्ट आपका कहीं डिप्लॉय हो, AWS पे हो या Azure पे हो या किसी फ्री होस्टिंगर, कोई होस्टिंग आप सर्विस दे रहे हैं फ्री, वहाँ पे हो, कहीं भी हो,
आप उसको डिप्लॉय जरूर करना। नेटलीफाई पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपको रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है वो भी सही तरीके से, एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत अच्छा है। आप रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो एंड टू एंड, और इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एटलीस्ट, क्योंकि आप किसी को फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, उसको पता होगा यार बंदे ने करा क्या है, कहाँ पे सोर्स कोड है। सोर्स कोड भी चलो ठीक है, आपने गेट पे डाल दिया, बिग बकेट पे डाल दिया, पर चलता हुआ चीज़ ज़्यादा इंप्रेस करती है। तो ये प्रोजेक्ट में कभी आप मार नहीं खाओगे, और ध्यान रखना। अब थर्ड जो है बहुत ही, मतलब कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा जो वैल्यू ऐड करेगी वो है ई कॉमर्स। अगर आप ई कॉमर्स में कुछ बनाते हो ना गाइस, मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल दे रखा है, काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है, पूरी मर्न एज अ मर्न डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर। देखो आप कैटेगरीज अपने आप निकल रही हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, राइट। अब जैसे जैसे आप एक एक स्टेप बढ़ोगे, अब तीसरी सीढ़ी पे आप आ गए, और तीसरी सीढ़ी पे मैं बोल रहा हूँ कि हम करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर रिडेक्स, एक्सप्रेस, नोड, मोंगोडीबी, रिएक्ट, सब का कॉम्बिनेशन, और एज एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है। बिलीव मी गाइज, अगर आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप इजीली अपने आप को शोकेस कर पाओगे, और इसको आप बनाने के बाद डिप्लॉय भी करोगे, जो इस ट्यूटोरियल ने पूरा बताया है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में मैंने कोई ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, खाली ई कॉमर्स को रखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी ई कॉमर्स के ऊपर है, बट इसमें खाली बैकएंड तैयार करेंगे। ये जो आप देख रहे हो नोड जेएस ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो जो ई कॉमर्स बनाएंगे वो हम पूरा बैकएंड नोड और एक्सप्रेस का यूज़ करके और मोंगोडीबी का यूज़ करके बनाने वाले हैं इस ऐप के अंदर। तो इन दोनों लिंक्स का लिंक मैंने दे रखे हैं। थर्ड कैटेगरी ई कॉमर्स है हमारी, जो हम बहुत अच्छे से करेंगे, राइट। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी है गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें कुछ हाईफाई नहीं सोचना है, इतना एडवांस नहीं बनाना है, और चीज़ें समझनी है, फंडामेंटल समझना है, अपने आप को अपस्किल करना है। अगली कैटेगरी में जाने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि जितनी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सारे रेफरेंसेस, फिर चाहे सिंपली लर्न का जो फ्री कोर्सेज हैं सारे कम्प्लीटली फ्री हैं, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी, चाहे आप वो किसी और फील्ड में भी हो, आप वेब डेवलपमेंट में हो, वो एंड्रॉयड में है, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी गाइस, जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, वो है क्लोन ऐप। आप स्क्रीन पे देख रहे हो अमेज़न क्लोन हो गया, राइट, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम क्लोन हो गया। ये बेस्ट ट्यूटोरियल है गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम क्लोन की पूरी सीरीज़ हिंदी में है, और आप इन्हें रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। और स्पॉटिफाई ऐप को क्लोन करना, क्योंकि जब आप क्लोन बनाओगे तो आपको एक एंड टू एंड एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है उसका आइडिया लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे फ्लो जा रहा है, कैसे कब डेटाबेस में रिक्वेस्ट जा रही है, कब खाली फ्रंट एंड पे ही लॉजिक जो चल रहा है वहीं से आउटपुट आ रहा है, कहाँ बैक एंड इन्वॉल्व है। तो जब आप क्लोन बनाओगे तो आपको बहुत सारा आइडिया होता है, एंड आप समझ पाते हो एंड टू एंड सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वो एक फुल स्टैक वाली राह में ही जा रहे हो। अब यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आप एज अ बैक एंड भी कर सकते हो, एज अ फुल स्टैक भी जा सकते हो, एज अ फ्रंट एंड भी जा सकते हो। बट फुल स्टैक में एक एडवांटेज रहता है कि अगर आपको फ्यूचर में फ्रंट एंड में निकलना हो तो आप फ्रंट एंड में निकल पाओगे, अगर आपको बैक एंड में निकलना हो तो आप बैक एंड में भी निकल सकते हो, और एज अ फुल स्टैक तो आप हो ही हो। हमेशा आप फुल स्टैक नहीं रह सकते, समटाइम आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रंट एंड में तो फ्रंट एंड में निकल जाओगे, आपको बैक एंड में मिल रही है बैक एंड में निकल जाओगे। तो ये तीन ट्यूटोरियल के लिंक मैंने दे रखे हैं, जहाँ पे अमेज़न क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन और स्पॉटिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। अब जो हमारी पांचवी कैटेगरी है, जहाँ मैंने रखा है लेगेसी, जो हमारी चलती आ रही है, जो अब हम नहीं देखते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, उसको भी आप बना सकते हो एक नए फ्लेवर के साथ, वहाँ पे आप रिएक्ट यूज़ करो, राइट। आप मर्न के ऊपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, क्यों नहीं बिकेगा, बिकेगा, राइट। लोग कहते हैं उनको कोई नहीं देखता है, नहीं, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको डेवलप करोगे आपको कोई नहीं रोकेगा। तो मैंने उसका एक, मेरे को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग रिएक्ट गाइस, आप इसको रेफर कर सकते हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आप रिएक्ट का यूज़ करके कैसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। तो ये मेरी पांचवी कैटेगरी में रहेगा। और जब मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल में ले आओ, यहाँ पे आप स्टॉक मैनेजमेंट ले आओ, कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड आप प्रोजेक्ट रिएक्ट का यूज़ करके बना सकते हो। आप कंपनीज में देखते हो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी माइग्रेट हो रहे होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, उनका बिजनेस चल रहा है यार, वो प्रोजेक्ट पे उनका सारा बिजनेस टिका हुआ है, तो उसको नई टेक्नोलॉजी में माइग्रेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ नया हो जाएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट है गाइज, ये पांच कैटेगरी तो हो गई, अब हम बात करते हैं आउट ऑफ बॉक्स क्या है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास आजकल मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, वेब 3.0 लाइब्रेरी है, राइट। अब वेब 3.0 में क्या है, सब कुछ सेंट्रलाइज रहता है, एक बार अगर डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, राइट, और विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर आप ब्लॉकचेन का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हो, नो डाउट बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा इंटरव्यूअर को। मैंने एक आपको रेफरेंस दिया है, स्पॉटिफाई ऐप बना रखी है स्टेप बाय स्टेप वेब 3.0 का यूज़ करके, तो इसका मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। अगर आपको कुछ नया करना है, आउट ऑफ बॉक्स करना है,
और समटाइम मे बी इंटरव्यूअर की एक्सपर्टीज ना हो इसके अंदर, और अगर आप कुछ ऐसा लेके जाओगे चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। तो इसका मैंने रेफरेंस दे रखा है, आप ये फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ मैंने ट्विटर का भी दिया है। तो हमने स्पॉटिफाई वेब 3.0 का यूज़ करते हुए पूरी ऐप को बनाया गया एंड टू एंड, और ट्विटर का भी मैंने आपको रेफरेंस दिया। अगर आप ट्विटर ऐप बनाना चाहते हो दोनों मैंने दे रखे हैं, आप रेफर के लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखो, एक और मैंने ट्यूटोरियल आपको दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ पे आपके बारे में लिखा हो। आप बस अपना एक URL दो, जी मेरे बारे में है, कोई आपके बारे में पढ़ के समझ पाए कि अच्छा ये इसने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अगर आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो मैंने रेफरेंस के लिए ये YouTube ट्यूटोरियल दे रखा है, एंड इसको आप फॉलो कर सकते हो और अपना पूरा एंड टू एंड पोर्टफोलियो बना सकते हो। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें डालो, अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में हर चीज़ मेंशन कर सकते हो। तो इसका ट्यूटोरियल का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, एंड दैट्स इट। तो ये गाइस थी हमारी 5 कैटेगरी। पहली कैटेगरी में हमने देखा गेम्स, बस हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम वेब सर्विस से API से खेलेंगे, और तीसरी में ई कॉमर्स एंड टू एंड एप्लीकेशन जहाँ पे बैक एंड भी होगा, एज अ मर्न डेवलपर मैं जा रहा हूँ, राइट। चौथी कैटेगरी क्लोन ऐप, इंस्टाग्राम क्लोन, Amazon क्लोन, Spotify क्लोन, राइट। पांचवी कैटेगरी में जो लेगेसी हमारा सिस्टम था, मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए जिन्हें हम अवॉइड करते हैं, तो उसको अगर आप बनाना चाहते हो तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड का यूज़ करके आप डेवलप कर सकते हो। और जो सिक्स्थ है वो है ब्लॉकचेन। अगर आप वेब 3.0 का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप कर सकते हो, जैसे मैंने Spotify का एग्जांपल दिया, मैंने ट्विटर का एग्जांपल दिया है, इन सबके एंड टू एंड प्रोजेक्ट के सारे लिंक्स दे रखे हैं, आपको बस जाना है डेवलप करना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें मेंशन करोगे तो नो डाउट आपको कोई रोक नहीं सकता प्रोजेक्ट्स में। अब अगर आपका पोर्टफोलियो होगा, एक URL होगा ajaysunila.com काइंड ऑफ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसका ही मैंने लिंक दे दिया कि अपना कैसे पोर्टफोलियो बनाएं। तो ये सारे रिसोर्सेज, और जो सिंपली लर्न है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्किल अप बाय सिंपली लर्न, मैंने लिंक दे रखा है। सारे के सारे कोर्सेज आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिग डेटा, जो आपको अपनी नीड के हिसाब से लगता है सारे फ्री हैं। सर्टिफिकेशन करो, रिज्यूमे में डालो, आगे बढ़ो। अभी जो रिसेशन है, मास लेवे से भूल जाओ, फ्री में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, पढ़ो, अपने रिज्यूमे में डालो। और ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हैं, वेल स्ट्रक्चर हैं। तो मैंने लिंक दे रखे हैं जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी सारे रेफरेंसेस के, और इस वेबसाइट का भी दे रखा है, उनकी मोबाइल ऐप का भी दे रखा है। जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और सीखिए, और कमेंट में बताइए कितना आपको बेनिफिट मिला। तो ये था जी मेरा पूरा, इसमें मैंने सारी मेरी फाइंडिंग्स, और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं तो ये मेरे हिसाब से एक पाथ रहेगा। बाकी सब कुछ मैंने यूज़फुल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मैंने लाइक एम रखा है इस पे 8000 का। अगर हो जाते हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। बाकी ये है हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच। See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.